अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान जई। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स हैदराबाद पौने सात पर, जो कि प्रिंस का जो है वो ऑफिशियल डीलरशिप शोरूम है। और प्रिंस एक जो है वो नाम है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आहिस्ता आहिस्ता उभरता हुआ ऊपर आ रहा है। कुछ अर्सा कबल प्रिंस कंपनी की जानिब से पर्ल के नाम से एक इंतहाई सस्ती तरीन कार जो है वो लॉन्च की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा आवाम में मकबूल हुई और जो है वो 10 लाख रुपए की रेंज में जो है वो एक बेहतरीन फीचर्स वाली गाड़ी जो है वो प्रिंस ने जो है मुतारिफ कराई थी। और अब जो है वो शहर हैदराबाद में और दीगर सिटीज़ में भी प्रिंस नाम की प्रिंस पर्ल जो कार है वो दौड़ती नज़र आती है सड़कों पर और काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और अब प्रिंस जो कंपनी है उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और ऐसी ज़बरदस्त एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसका नाम ग्लोरी है। और उसके अंदर दो वर्जन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। स्टार्टिंग में ग्लोरी एक सादा मॉडल आया है और एक ग्लोरी प्रो आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और बहुत ही मुनासिब प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ी जो है वो लॉन्च कर दी है। आज इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है हैदराबाद शोरूम पर, जो कि पौने सात मेन रोड पर मौजूद है प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स के नाम से, जहां पर ये गाड़ी मौजूद है। अब हम आपको गाड़ी के सैर कराएंगे, हम आपको गाड़ी भी दिखाएंगे और आप गाड़ी देख के फिर आपने फैसला करना है कि कितनी मुनासिब कीमत में। और मैं आपको उसकी कीमत बताता हूँ, जो प्राइस इसकी रखी गई है, जो अभी लॉन्चिंग प्राइस है वो 45,49,000 रुपये, यानी कि टोटल 45.5 लाख रुपये की गाड़ी है। लेकिन इसके अंदर 1 करोड़ रुपये वाली गाड़ी वाली फीचर्स मौजूद हैं, वही खूबसूरती है। और ये बहुत किसी भी किस्म से जो है वो किसी एक मुनासिब लग्जरी और रॉयल गाड़ी से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी कैसी बनाई है, प्रिंस कंपनी की जो ग्लोरी गाड़ी है उस हवाले से आपको जो है उसकी तफसीली फुटेज दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, इसकी जो है वो डिटेल में यहाँ के जो प्रिंस के जो डीलरशिप के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, इसके बारे में तफसील जानेंगे। सबसे पहले आप गाड़ी देखें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, देखें जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि ग्लोरी जो गाड़ी है प्रिंस डीएफएस के प्रिंस की जो है वो ज़बरदस्त, मैं इस वक्त इसके अंदर मौजूद हूँ। कितना खूबसूरत इसका इंटीरियर है और कितनी लग्जरी है गाड़ी है। कहीं से भी मैं इस वक्त बैठ के नो डाउट फील कर रहा हूँ कि मैं किसी मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठा हूँ या मैं किसी बीएमडब्ल्यू में बैठा हूँ। और बड़ा जो है वो मतलब इत्मीनान और लुत्फ आ रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा मैं इस गाड़ी से उतरूँ, बल्कि मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं इस गाड़ी को अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन देखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक दफ़ा फिर इसका जो है, वैसे तो हमने आपको अंदर बाहर से अच्छी तरह से गाड़ी दिखाई, लेकिन इस गाड़ी का नो डाउट एक बार ज़रूर आगे रिव्यू करें, एक दफ़ा ज़रूर देखें आके इस गाड़ी को कि कितनी खूबसूरत गाड़ी है। ये पौने सात पर प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स के नाम से यहाँ पर जो है वो इसका शोरूम मौजूद है। ऑफिशियल हैदराबाद में डीलर हैं प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स, जो कि प्रिंस के नाम से यहाँ पर शोरूम मौजूद है, पीएसओ पेट्रोल पम्प के सामने पौने सात पर ज़ीशान ऑटोज़ के बराबर में। तो नाज़रीन, आपको बताने का मकसद यही है कि एक अच्छी चीज़ हैदराबाद में हुई है तो हम आपको बता रहे हैं, एक दफ़ा ज़रूर इस गाड़ी को देखें। नो डाउट 45.5 लाख रुपए में ये मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू का मज़ा दे रही है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, मुझे तो भाई बहुत ज़बरदस्त लगी माशाल्लाह से। एक दफ़ा ज़रूर आएँ, आप इस गाड़ी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ की जो टीम है, यहाँ का जो सेल्स स्टाफ है, वो भी बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे अखलाक के। यहाँ का जो अमला है बहुत अच्छा उनका अखलाक है, बड़े प्रोफेशनल है, बहुत तफसील से आपको जो है वो रिव्यू दे रहे हैं गाड़ी का, ज़्यादा नाक भू नहीं चढ़ा रहे और बड़े अच्छे से आपको जो है। अभी भी मेरे पीछे जो है वो कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो गाड़ी में शोर हो रहा है तो वो उनको जो है वो दिखा रहे हैं। तो मज़ीद यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, जो लोग इस गाड़ी को देखने के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है, अब उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं। मेरा रिव्यू आपने सुन लिया प्रिंस ग्लोरी का, नो डाउट ये ग्लोरियस है, हिलेरियस है और बहुत कुछ इसके बारे में जो भी इसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। चले आइए, यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है।
प्रिंस गाड़ी आप नई लॉन्च की है प्रिंस कंपनी ने पाकिस्तान में, और एक बहुत बजटेड और बड़ी ज़बरदस्त लग्जरियस गाड़ी लॉन्च की है इसके, आपने इसको भी चेक किया, टेस्ट किया, कैसा लगा, क्या रिव्यू आपको? सर एक्चुअली ऐसा था कि हमने तो मतलब इसके रिव्यू देखे थे ऑन द नेट के ऊपर, ठीक है, और हमने मतलब एक ब्लाइंड फेथ करके प्रिंस के ऊपर, और हमने मतलब मैंने हैदराबाद के अंदर दो गाड़ियाँ बुक करी, मतलब फर्स्ट यूज़र हैदराबाद के अंदर में ही हूँ जिसकी दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और मतलब फर्स्ट यूज़र हूँ। उसके अलावा मतलब कि जो चीज़ हमने देखी थी सिर्फ जो इनका जो पुराना मॉडल आया था उसको हमने देखते हुए देखा था, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, मतलब कंपेरिजन में और भी गाड़ियाँ हैं मगर इस जैसी गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई। इवन मैं क्या कहूँ कि अपना सिविक हो गई, ग्रैंडी हो गई, ये उसको भी इंशाल्लाह बीट करेगी, उसके जो यूज़र हैं वो भी इस तरह इंशाल्लाह मूव होंगे, क्योंकि इसकी जो फीचर हैं वो आपको अभी तक किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। सबसे बेहतर चीज़ के अंदर ये कि 7-सीटर गाड़ी है और फुल सेंसर के ऊपर गाड़ी है, जो अभी तक किसी कोई गाड़ी आई नहीं है, और इतनी प्राइस के अंदर जो लो प्राइस उन्होंने रखी है 44 लाख वगैरह, इसके अंदर आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, मतलब अनबिलीवेबल, और मतलब बहुत अच्छी गाड़ी मुझे लगी। इसके जो भी सारा सिस्टम है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसके सेंसिंग वाले जो भी सिस्टम है वो मैंने चेक किए, बहुत ही मुझे अच्छे लगे, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, लगे इतनी उम्मीद भी नहीं थी जिससे उतना ज़्यादा इससे सेटिस्फाई हूँ, और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला प्रिंस वालों को और तरक्की दे, इस जैसी मतलब अचीवमेंट करते रहें तो हमारे लिए भी बेहतर है, हर कस्टमर के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जो एक सिस्टम बना हुआ है मार्केट के अंदर, मतलब एक माफिया बना हुआ है, उसको ये बीट करने वाली गाड़ी है, और इंशाल्लाह ये बीट करेगी, ये प्रूव करेगी। हाँ, एक वक्त आएगा, जैसे कोई न्यू चीज़ कोई भी आती है तो बंदे बोलते हैं कि यार ये ऐसे है ऐसे, इसकी रीसेल नहीं होगी, वो वक्त बताएगा। इस जैसी मैं वो मतलब चैलेंज करके कहता हूँ, इस जैसी गाड़ी अभी तक कोई मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, पहले देख कर जा चुका हूँ उसकी शादी वाली, अभी मुझे उससे बेहतर ये लगी है, हत्ता कि मैंने गाड़ी बुक कराई थी 2021 में BRV, अब मैंने पोस्टपोन कर इस पर आ रहा हूँ मैं फॉरन। क्या लगता है कि ये जो है वो मार्केट में कंपटीशन देगी, और जो दीगर इस तरह की गाड़ियाँ हैं और इस प्राइस रेंज में जितने फीचर्स इस गाड़ी ने प्रिंस कंपनी ने आपको दिए हैं, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस प्राइस के अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे दूसरी कम गाड़ियाँ भी हैं, यानी 10-10 लाख रुपये का फ़र्क है, उस प्राइस के हिसाब से फीचर बहुत अच्छे दिए हैं इसमें, बेहतरीन है। मैं यहाँ पर गाड़ी देखने के लिए आया था यहाँ पर शोरूम में, तो मैंने ये गाड़ी देखी, ये ग्लोरी 580, और नो डाउट ये बहुत फुली फीचर्स गाड़ी है, सेंसर है, तमाम चीज़ें, और 1 करोड़ के रेंज की गाड़ी को इन्होंने 45 से 50 लाख के अंदर बहुत अच्छा जो है गाड़ी को बना के पेश किया है, बनाया है, और 7-सीटर गाड़ी है। इसके अलावा एक मिडिल क्लास जो एक अच्छी गाड़ी का ख्वाब देखता है उसके लिए ख्वाबों की ताबीर पेश की है ग्लोरी 580 ने, और इसके अलावा जो है इसको जब ड्राइव करेंगे तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होगा, लेकिन कहते हैं कि इसमें जब बैठते तो ऐसा लगता है आप जहाज़ में बैठे हुए, बिल्कुल एक BMW या मर्सिडीज़ का आपको मज़ा देगी गाड़ी। सर हमें मालूम हुआ बराबर में हमारा शोरूम है, मालूम हुआ कि कोई ग्लोरी गाड़ी है ये, और इंशाल्लाह लेने का इरादा है, देखने आए थे, काफ़ी तारीफ सुनी मार्केट में, और 7-सीटर गाड़ी है, फैमिली कार है, अच्छी गाड़ी है, हम अभी बस थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा मालूम करेंगे और बुकिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। आज थोड़ा विजिट पे आए हैं, कल इंशाल्लाह वाली साहब के साथ आएंगे तो गाड़ी का थोड़ा कंप्लीट रिव्यू लेंगे भाई से, इंशाल्लाह गाड़ी हमें बहुत पसंद आई है, गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है, पाकिस्तान में इस मेयार की गाड़ियाँ बहुत कम हैं, तो इंशाल्लाह हमारा लेने का इरादा है। BRV लेनी है, ये लेनी है, ग्लोरी लेनी है, ग्लोरी लेनी है, भाई आप बताओ जी। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज जो है वो प्रिंस जो कंपनी है बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी जो लॉन्च की, हमने आपको गाड़ी भी दिखाई, यहाँ के लोगों से भी बात करवाई जो यहाँ पे गाड़ी की देखने के गर्ज से आए हुए थे। मैं इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो प्रिंस की गाड़ियाँ हैं वो हैदराबाद में इस वक्त प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है, और ये 7:45 पर जो है वो ये बहुत बड़ा शोरूम है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्विस सेंटर भी बनाया जा रहा है। मेरे साथ प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स के डायरेक्टर मौजूद हैं जनाब शाहिद साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स अपने फीन को क्या क्या सहूलियात दे रहा है, थोड़ा ग्लोरी के बारे में भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जो है वो माशाल्लाह आप हैदराबाद में इस वक्त वाहिद डीलर हैं प्रिंस प्रिंस कंपनी के, तो सबसे पहले तो ग्लोरी पे बात कर लेते हैं कि ग्लोरी में ऐसा नया क्या है जो आवाम के लिए जो है वो, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है इसकी कि इसकी जो प्राइस है नो डाउट मैंने खुद उस गाड़ी को देखा बहुत कम है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कंपटीशन के हिसाब से गाड़ी में जो है सबसे मुनासिब सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है,
और इसके सबसे ज़बरदस्त जो फीचर्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज में नहीं मिलते? सर बेसिकली ये एक समझ लें कंप्लीट 7-passenger SUV है एक छोटी फैमिली के लिए, जो कि इस कीमत पे अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी कोई गाड़ी अवेलेबल है। अगर देखा जाए इसके फीचर्स तो इसका पैनोरामिक रूफ हो गया और जो इसके ट्रांसमिशन 1.5 लीटर इसका टर्बो इंजन है जो कि आई थिंक बहुत ही इकोनॉमिकल है सिटी के और शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो, और इट्स अ लग्जरी SUV, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फैमिली कार और SUV बिकॉज जो भी एक ऐसी फैमिली हो जिसमें 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स हैं उसके लिए अच्छी गाड़ी है। पिछली जो थर्ड रो इसकी सीट है वो उस बेंच को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो बहुत सफिशिएंट रूम बन जाता है उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इंशाल्लाह इस प्राइस को भी अप्रिशिएट करेंगे और अल्लाह करे आप भी दुआ करें कि इसके अंदर लोग इसको अप्रिशिएट करें। हमारी तरफ से भरपूर कोशिश है और इसकी तमाम अवेलेबिलिटी होगी, पार्ट्स की, सर्विस की, एवरीथिंग इट्स अवेलेबल और अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ करें इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा अहम इशू आता है जब भी कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है, ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बात करें तो, क्योंकि एक गाड़ी है और ये पर इसका जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो सर्विस का और पार्ट्स का आता है। अभी आपने बताया पार्ट्स अवेलेबल होंगे, मैं दोबारा चाहूँगा कि नाज़रीन थोड़ा तफसील से इस बारे में बताएं। सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रस्ट करने पे प्रॉब्लम होती है उनको ये होती है कि यार एक नई चीज़ ले लें, प्राइस भी कम है। अब नई गाड़ी 2-3 साल तो वैसे ही कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके बाद जब वो ख़राब होना शुरू होती है, रोड पर चलती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट हो सकती है, तो जो मेन पार्ट्स का मसला होता है वो कहाँ कहाँ इसके अवेलेबल हो सकते हैं, तो किस तरह लोगों को जो है वो इस बारे में थोड़ा गाइड करें? सर बेसिकली इसके देखा जाए तो मेन डीलर्स हम ही हैं इस वक्त हैदराबाद में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे अपना इसकी जो है वो पूरी कह लें आप 3S फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं जिसमें आपको पार्ट सर्विस एवरीथिंग अवेलेबल होगी। एक्चुअली सर इसकी असेंबलिंग यहीं हो रही है पाकिस्तान में, तो जब असेंबलिंग यहाँ हो रही है तो तमाम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है और जैसे ग्रेजुअली इसकी सेल बढ़ती जाएगी इस तरीके से पूरे आपके अंदरून शहरों में जितने सिंध के शहर हैं, तमाम कराची में 4 डीलरशिप्स हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में है, तो इसकी पार्ट्स की मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह कंप्लीट इसकी अवेलेबिलिटी होगी डेफिनेटली। हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि किसी भी नई प्रोडक्ट का जो है वो खास तौर पे अगर गाड़ी की बात करें तो ट्रस्ट का मसला होता है। दीगर ब्रांड्स में भी लोग पार्ट्स की वजह से ही जो है वो गाड़ी के खरीदने में जो है खरीदो फरोख्त में बड़ा सोचते हैं। अच्छा, प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स क्या क्या ऑफर कर रहा है अपने सार्फिन को, उस बारे में थोड़ा बता दें। सर इसके अंदर एक्चुअली ये तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं है, इसमें जो हमें कंपनी की तरफ से ये जैसे जो ब्रांड न्यू प्रोडक्ट का होता है कि 3 years विद और 60,000 kilometers जो है वो इसकी वारंटी है, जो भी इसकी वारंटी उसके अंदर आती है चाहे इंजन ट्रांसमिशन की होती है वो सारी उसमें मौजूद है। इसके अलावा हमारी तरफ से ऑफर्स यही है कि आप आएँ और हमसे बेहतरीन किस्म की सर्विसेज लीजिए और इंशाल्लाह बार बार आएंगे आप, आपको तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पर आया, विज़िट किया आपके मैंने शोरूम पे, तो मुझे यहाँ पता चला कि आप लोग ये तमाम जो भी प्रिंस कंपनी की जो गाड़ियाँ ऑफर कर रहे हैं, मतलब प्रिंस पर कार इससे पहले आप लॉन्च कर चुके हैं, इसके अलावा 7-seater 11-seater ट्रक्स वगैरह भी और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग लीजिंग भी ऑफर कर रहे हैं? जी सर, हमारे पास लीजिंग भी है, फाइनेंसिंग एवरीथिंग अवेलेबल सब, इधर बैंक जो है UBL से हम रजिस्टर्ड हैं, इस पर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। जी नाज़रीन, देखा आपने मेरे साथ मौजूद थे शाहिद सिद्दीकी साहब जो कि डायरेक्टर हैं प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स के, और यहाँ पर जो है वो ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पर लीजिंग और फाइनेंसिंग के थ्रू भी ले सकते हैं और बैंक के थ्रू ये गाड़ी दे रहे हैं जो कि बहुत सिक्योर है और सेफ़ है, आप भी सेफ़ हैं, ये भी सेफ़ हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर प्रीफर करूँगा, एक दफ़ा फिर जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि जो है वो प्रिंसिपल पर एक दफ़ा प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स पर ज़रूर विजिट करें, या आप आके प्रिंसिपल कार को देखें चाहे ग्लोरी को देखें। खास तौर पर आज हम ग्लोरी पर बात कर रहे हैं, इससे पहले हम पर्ल के बारे में बात कर चुके हैं। पर्ल गाड़ी भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बजटेड गाड़ी है और बहुत ही मुनासिब रेट में आपको एक अच्छी लग्जरी गाड़ी का जो है वो फील देती है। इसी तरह ग्लोरी, नो डाउट मैं पर्सनली कहता हूँ कि ये मार्केट में धूम मचाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की और जिस तरह इसके फीचर्स हैं और जिस तरह इसकी बनावट है, इट्स ऑसम। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ आपको हमेशा से मुनफरिद चीज़ें दिखाता है और आज ग्लोरी जो है वो ग्लोरियस तौर पर हैदराबाद के 7.25 Autobahn Road पर
प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स पे जो है वो अपनी पूरी आबोताब से चमक रही है। और अभी हमने आपको फुटेज दिखाई, कितनी खूबसूरत गाड़ी है, कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, कितने की इसकी प्राइस रेंज है, एग्जैक्ट इसकी प्राइस क्या है, किस तरह आपको मिल सकती है, ये सब आपको जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स के सेल्स मैनेजर जनाब ज़िया साहब के साथ। तो उनसे सारी तफसील मालूम करते हैं। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, प्रिंस ने जो है एक और नया कारनामा सर अंजाम दे दिया पर्ल के बाद, तो ग्लोरी सार्फिन को क्या दे रही है वो बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस कवरेज के लिए आए, और मैं हैदराबाद न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले साल फेब में भी आप लोगों ने हमारे साथ पर्ल की लॉन्चिंग के वक्त आपने मीडिया कैंपिंग की थी, और उससे हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिला और हमें पर्ल बेचने में बड़ी अच्छी हमें पोजिशन रेट हुई। तो अभी आज आपने देखा होगा कि ग्लोरी 580 प्रो जो कि एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी व्हीकल है जो कि एडवांस फीचर्स के साथ, यानी कि वॉइस एक्टिवेशन फीचर्स आपने इसमें देखा होगा कि आपकी गाड़ी जो है आपकी वॉइस कमांड के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है। बेसिकली ये फीचर्स BMW और मर्सिडीज़ बेंज एंड फोर्ड जो कि यूरोपियन ब्रांड है उनमें आता था, लेकिन वो गाड़ी 6-7 करोड़ की गाड़ी है। तो वो जो हाई प्रोफाइल व्हीकल का जो फीचर्स है वो अगर एक आदमी को 45 लाख में मिल जाए तो क्या ख्याल है वो इस गाड़ी को लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की पहली iTalk इंटेलिजेंस SUV है। iTalk इंटेलिजेंस SUV कहते हैं सुपर अल्टीमेट व्हीकल्स, 7-सीटर व्हीकल है ये, ठीक है। और iTalk इंटेलिजेंस वॉइस कमांड एक्टिवेशन हैं इसके अंदर, आप पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं अपनी वॉइस के साथ, और मैनुअल भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो स्मार्ट क्रोम ग्रिल आपने देखा होगा जो कि आगे का शेप इसका और मज़ीद इसका स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रो सैम्पथेटिकली बनाता है। इसके अलावा इसकी जितनी भी लाइट्स हैं वो तमाम लाइट्स के अंदर LED को यूज़ किया गया। जो पहले टोयोटा सुजुकी कंपनी जो भी लाइट्स अपने ब्रांड में यूज़ करती थी वो हैलोजन लैंप होता था, एनालॉग लैंप होता था, लेकिन हमारी गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइट्स हैं वो LED हैं, हाई टेक LED लाइट्स जो कि अपनी पर्सनैलिटी में और मज़ीद निखारता रख करती इतनी गाड़ी। 580 प्रो के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत साल डेढ़ साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जो कि मेरा ख्याल है क्योंकि पार्क व्हील ने भी साल पहले रिव्यू निकाला था इसका ग्लोरी 580 प्रो का, तो जाहिर सी बात है मीडिया का दौर है तो हर आदमी के पास स्मार्टफोन होता है तो वो ग्लोरी 580 प्रो यूट्यूब पर जाके सर्च करते हैं, तो उसका रिव्यू उन लोगों ने देखा। रिव्यू देखने के बाद लोगों ने कहा गाड़ी रिव्यू में तो बहुत ही लाजवाब है, अब हम फिज़िकल देखना चाहेंगे इसको। तो आज आपने भी फिज़िकल खुद देखी, बिल्कुल, और कस्टमर्स की भी आपने बहुत सारे फीडबैक लिए होंगे, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है 100 कस्टमर आए तो 100 के 100 लोगों ने इस गाड़ी की तारीफ की, और ये DFS की जो मेहनत है और प्रिंस की जो मेहनत है वो आज रंग लेकर आई है, और आज से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। आप किया स्पोर्टेज से इसको कंपेयर करें, प्रोटोन X70 से इसको आप कंपेयर करें, सुजुकी विटारा से आप इसको कंपेयर करें, वो 10-12 लाख रुपए इससे ज़्यादा महंगी है और इससे कम फीचर्स के साथ। तो पाकिस्तान में सबसे पहली ऐसी SUV है जो कि मैक्सिमम फ्यूचर के साथ मौजूद है, और इसमें आपको 5 कलर्स मिल सकते हैं। इसमें ब्लैक मिलेगा, शैम्पेन सिल्वर आपको मिलेगा, वाइट आपके सामने खड़ा हुआ है, और हार्डवर्ड ब्लू आपको मिलेगा इसमें, एंड मेटालिक ग्रे। इसमें 5 कलर्स अवेलेबल हैं प्रो के अंदर, ये आपको मिलेंगे। और दूसरी इसकी इंटीरियर की जो मैं आपको एक ख़ास बात ये बताता हूँ कि वो बड़ा लैविश इंटीरियर है, यानी कि पैरेलल इंटीरियर है। जब कोई भी पैसेंजर और ड्राइवर जब उस गाड़ी के अंदर बैठेगा तो वो बड़ा लग्जरियस फील करता है कि मैं किसी एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जो कि एक बड़ी लग्जरियस गाड़ी है। और दूसरी इसके इंटीरियर लैविश के लिए जो मैंने आपसे बात की वो यूँ कि इसमें लेदर स्टिचिंग हुई है पूरी गाड़ी के अंदर, अगर आपने गौर से देखा हो तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर की लेदर स्टिचिंग एक आपको लग्जरियस फील महसूस होने देता है। दूसरी बात पावर्ड सीट्स, यानी कि मैनुअल आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ये पावर्ड है ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपके सेंस के ऊपर ही टच पे आपकी सीट्स एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर किक सेंसर भी है, यानी कि ट्रंक टेल गेट अगर आपने खोलना है तो उसमें आपको गाड़ी का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किक से सेंस करके डिग्गी को ओपन कर सकते हैं जो कि अभी आपने भी देखा होगा। वॉइस एक्टिवेशन के जरिए सनरूफ भी खोल सकते हैं, विंडोज़ भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, AC को भी ऑपरेट कर सकते हैं, नेविगेशन को भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल को भी ऑपरेट कर सकते हैं, MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मीटर है इसमें, एनालॉग एंड डिजिटल बोथ आर इंस्टॉल्ड इन दिस व्हीकल।
इसके अलावा इसके जो टायर साइज़ है, जो पहले वाली हमारी ग्लोरी प्रो थी, ग्लोरी 580 थी विदाउट प्रो, उसके अंदर 17 इंच का अलॉय रिम है, इसके अंदर 18 इंच का हमने और अमेंड किया ताकि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो थोड़ी और हाई लेवल के ऊपर हो जाए, जिससे गाड़ी का लुक और मज़ीद स्मार्ट और खूबसूरत और ब्यूटीफुल बना। इसके अलावा आपने इसमें देखा होगा कि इनर डोर हैंडल्स क्रूम है, यानी कि वो क्रूम हैंडल्स हैं जो कि अंदर के लैविश इंटीरियर में और मज़ीद खूबसूरती पैदा करते हैं, ताकि जो अंदर बैठा है तो वो क्रूम वाले हैंडल दिखता है तो वो शाइनिंग चमक रहे होते हैं, तो अच्छा एक फील होता है आदमी को। दूसरी बात, ये ड्यूल एसी गाड़ी है, रियर एसी इसका जो मिड ऑफ द सीट है वहाँ है, और फ्रंट एसी इसका पैसेंजर है ड्राइवर साइड के ऊपर है, जो कि ऑटो वॉइस एक्टिवेशन कंट्रोल है कि वो वॉइस के साथ उस एसी को ऑपरेट कर सकता है। दूसरी बात, इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स में आते हैं, सिक्योरिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर जब गाड़ी रोड पे जा रही है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वाली कोई कंडीशन होती है, तो इसमें 4 SRS एयरबैग्स इंस्टॉल्ड हुए हैं, एक ड्राइवर साइड पे, एक पैसेंजर साइड पे और 2 डैशबोर्ड पे फ्रंट पे। अगर कोलिजन होती है तो SRS एयरबैग खुल जाएगा और पैसेंजर और ड्राइवर महफूज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में हम आगे और चले जाते हैं, इसमें 3 किस्म के ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं। नंबर 1 ABS, ABS कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नंबर 2 EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 ब्रेक असिस्ट, यानी कि ब्रेक असिस्टेंट। ये तीनों ब्रेक एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसको हम ट्रायंगल शेप में कहते हैं। ये एक मैकेनिकल फीचर है, यानी कि जब ये तीनों फोर्स एक साथ अप्लाई होती हैं ड्यूरिंग द एमरजेंसी, तो गाड़ी ऑन द वे वहीं स्टॉप हो जाएगी और कोलिजन से आप बच सकते हैं। ये इसका एक बहुत ज़्यादा एडवांस फ्यूचर है, जो कि सिक्योरिटी के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से है। इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, जो कि एक बेहद आप स्काई लाइट्स को देखें वाइल्ड ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हों और चांद की चौदहवीं रात हो और चांद की जो रोशनी, चौदहवीं रात की जो चांद की रोशनी होती है, जब आप पैनारोमिक सनरूफ इसको खोलेंगे और स्काई लाइट्स को एंजॉय करेंगे, तो वो चांद की जो लाइट है जब इस गाड़ी के इंटीरियर में पड़ेगी, तो वो लैविश एक अलहदा फील आपको महसूस होगा। वो किस वजह से कि पैनारोमिक सनरूफ, क्योंकि इसकी पूरी छत जो है मिरर की, यानी कि पैनारोमिक सनरूफ खुल जाती है और बंद हो जाती है, जिससे हम बाहर की लाइट ले सकते हैं। सर्दी है, हम चाहते हैं कि सनलाइट हमें अंदर मिले, लोग चाहते हैं सनलाइट आए, तो आपने पैनारोमिक सनरूफ को यूज़ किया, उसको ऑप इन किया, तो आप सनलाइट का भी इंजॉय कर रहे हैं एंड आल्सो नाइट मूनलाइट का भी आप इंजॉय कर रहे हैं। मौसम अच्छा हो जाता है, क्लाउडी मौसम में आप देखना चाहते हैं, जब गाड़ी जा रही होती है हम साइड मिरर में देखते हैं, तो साइड मिरर में तो आपको आने जाने वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी या व्यू नज़र आएगा, लेकिन अगर क्लाउडी वे है, बहुत अच्छा वे है और आप ऊपर देखना चाहते हैं, तो आप जब पैनारोमिक सनरूफ पे बैठेंगे तो आपको वो अंदर ही गाड़ी के अंदर से आपको क्लाउडी वे का आप नज़ारा हासिल कर सकते हैं, जो कि एक इंजॉयबल है। इसके अलावा इसके अंदर फ्रंट फॉग लैंप्स और जो LED लाइट्स यूज़ की गई हैं फुली LED हैं, उसमें कोई हैलोजन या एनालॉग बल्ब यूज़ नहीं किया गया, टोटल गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो LED पे कन्वर्ट है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और सेंसर है कि जैसे अगर आप गाड़ी को टर्न करते हैं लेफ्ट एंड राइट के ऊपर, तो इसकी लाइट्स भी उसी टर्न के हिसाब से मूवेबल है, यानी कि आप गाड़ी जैसी मोड़ेंगे तो लाइट भी उसी साइड पर मुड़ जाएंगी ऑटोमेटिकली, ताकि आपको रात के वक्त अच्छी विजिबिलिटी मिल सके वाइल्ड राइड। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा 7-सीटर, 7 लोग बहुत आसानी से इसमें बैठ सकते हैं, अगर 7 लोग इसमें जाना चाहें तो बहुत ईजीली होकर इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2 लोग सफ़र कर रहे हैं, बाकी सामान है, तो आपका जो पीछे का जो ट्रंक एरिया है, पैसेंजर कंपार्टमेंट है, वो पूरा का पूरा डिग्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं, अच्छा तो हम इसके इंटीरियर लैविश की बात कर रहे थे, वो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, मैं आपको एक ये भी कहना चाहूँगा कि ये DFS के जब पाकिस्तान में आई, इससे पहले होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये 3 कंपनियाँ थी, तो लोग मजबूर थे कि उनके पास चॉइस ही नहीं थी कि कोई और गाड़ी लें, मजबूरन उनको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी पड़ती थी। हमने महंगी गाड़ी के फ्यूचर एक सस्ती गाड़ी के अंदर दे दी, ताकि लोग उसको एंजॉय करें, लग्जरियस फ्यूचर को एंजॉय करें और उनके पैसे भी कम खर्च हों। किया स्पोर्टेज, प्रोटोन X70, विटारा, मॉरिसन गैरेजेस, ये सब इससे ग्लोरी 580 प्रो से 10-15 लाख रुपए महंगी है और फ्यूचर्स में भी कम है। तो हमारी गाड़ी तकरीबन हर लिहाज से
कस्टमर को एंजॉय करने पे मजबूर कर देती है कि अगर वो कंपैरिजन करता है किसी गाड़ी के साथ तो वो फिर फर्स्ट चॉइस अपनी जो परचेजिंग पे ले आता है वो ग्लोरी 580 प्रो हो गया। जी नाज़रीन, देखा आपने कि कितने ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स मौजूद हैं और कितना ज़बरदस्त तरीके से ज़िया साहब ने हमें डिस्क्राइब किया, वो तफसील से आप समझ गए होंगे। अब मैं ख़ुद इस चीज़ को प्रीफर करूँगा कि नो डाउट 45,50,000 रुपये समथिंग अभी इसकी ओपनिंग प्राइस है और आप जल्दी करें इसको बुक करा लें, क्योंकि जिस तरह की ये गाड़ी है, जिस तरह के इसके फ़ीचर्स हैं, मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि 2-3 महीने के बाद अगर आपने सोचा इस बारे में तो इसके प्राइस भी बढ़ जाने हैं, क्योंकि जब गाड़ी की डिमांड आ जाती है तो कंपनीज़ की जानिब से प्राइस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे इशूज़ भी आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आएँ प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स पे और अपनी ड्रीम कार, जिसे हम कहते हैं एक लग्जीरियस गाड़ी, मतलब जो फीचर्स मर्सिडीज़ बेंज में और फोर्ड में मिलते हैं वो आपको इसमें मिल रहे हैं, और ऊपर से सबसे ज़बरदस्त बात कि सिर्फ 45,50,000 रुपये में ये गाड़ी। इसके अलावा प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स आपको यही गाड़ी लीजिंग पर भी ऑफर करता है, आप इस गाड़ी को लीजिंग पर भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी गुंजाइश कैश की नहीं है तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पर, लीजिंग पर और फाइनेंसिंग पर भी ले सकते हैं, जो कि बैंक के थ्रू की जाती है और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से और बड़ी सेफली की जाती है, तो हर तरह की सहूलत मौजूद है। तो एक बार ज़रूर प्रिंस सिद्दीकी मोटर्स पर आएँ और इसको जो है वो ज़रूर विज़िट करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान उज़ैर खान भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।